नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं विष्णुपद मंदिर में हूं और विष्णुपद मंदिर के उत्तराधि मठ है और इस मठ में आया हूं। और ये मठ में देखिए अभी क्लास चल रहा है। ये जितने भी आपको शिष्य दिख रहे होंगे, बच्चे दिख रहे होंगे, ये सब गुरुकुल में विद्या हासिल कर रहे हैं, गुरुकुल में अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही विद्या जो है अध्ययन किया जाता था, विद्या ग्रहण किया जाता था, पहले हुआ करता था, जंगलों में पढ़ाई हुआ करता था। और अब ये गुरुकुल मठ हुआ है, मतलब मठ बन गया है। और यहाँ पर अभी गुरुजी हैं, गुरुजी यहाँ पर इन लोग को शिक्षा दे रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? मुरलीधर आचार्य बागलकोटी जी। मुरलीधर आचार्य बागलकोटी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक से रहने वाले हैं। कर्नाटक से अभी ये लोग शिष्य को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को, ये लोग को क्या चीज़ के अभी शिक्षा दिया जा रहा है? देखिए, इसके लोगों को पहले हमारे छोटे बच्चे लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान होने के पहले मतलब स्तोत्र वगैरह बस पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा सा बड़े लोग हैं, उसके बाद ये संस्कृत का ज्ञान होने के बाद वेद मंत्र पढ़ाते हैं। वेद मंत्र पढ़ने के बाद थोड़ा सा शास्त्र पढ़ाते हैं, क्योंकि व्याकरण ये मतलब व्याकरण के कारण हो गया तो थोड़ा सा मतलब कैसे सेंटेंस बनाना, कैसे करना, उसके बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उसको लोगों को पहले स्तोत्र हो रहा है, कुछ लोगों को वेद हो रहा है, कुछ लोगों के पौरोहित मतलब जो पूजा पाठ करने का विधि विधान रहता है उसको सिखा रहे हैं सब लोग। अगर जो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बनना चाहते हैं, उसको यहाँ पर क्या क्या चीज़ वो सब बताया जाता है या नहीं? सुनिए सर, उसके लिए यहाँ भी शिक्षा मतलब वो शिक्षा नहीं हो पाता है, क्योंकि एकदम वैदिक शास्त्र वैदिक सनातन हाँ। धर्म का बारे में बताते हैं हाँ। जो इंजीनियर वगैरह हाँ। वो हम लोगों का यहाँ पर ये सब काम नहीं के है। बच्चे जो हैं ये सब कहाँ के बच्चे होते हैं सब? यहाँ मतलब यहाँ पर सब पंडा जी लोगों का हाँ। बच्चे लोग हैं सब हाँ। तीर्थ पुरोहित का बच्चे लोग, क्योंकि तीर्थ पुरोहित तीर्थ को बचाने के लिए हमारा काम है। क्योंकि आजकल तीर्थ में कोई ब्राह्मण हो कुछ भी नहीं सीख रहा है, लेकिन तीर्थ को बचाना चाहिए कि नहीं? तीर्थ को बचाने से ही तीर्थ बचता है। तीर्थ बचने से अत्युत्तम सब लोगों का उद्धार होता है, क्योंकि ये लोग सब लोग भविष्य में जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं या पिंड दान करवाते हैं, उसी तरह से ये बच्चे लोग भी कराएंगे, राइट सर? हाँ जी। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का कोई प्रयास होता है कि नहीं हाँ। तो अभी ये हमारे नन्हे शावक हैं हाँ। इन्हें गुरुकुलीय शिक्षा से जोड़कर हाँ। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं मतलब जब ये समझो कि दसवीं तक में अपनी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत दसवीं में चले जाते हैं हाँ। उसके बाद हमारा बड़ा मठ है हाँ। बड़े तीन मठ हैं हाँ। पंढरपुर में है हाँ। मुंबई में है हाँ। कर्नाटक में है हाँ। तो जब ये बच्चे और बड़े हो जाते हैं और जब उस काबिल हो जाते हैं कि ये कुछ आगे अध्ययन करना चाहें हाँ। तो वेद में करें, ज्योतिष में करें और आधुनिक शिक्षा के भी सारे प्रकल्प हमारे मठों में मौजूद हैं। ये मठ यहाँ पर छोटी अवस्था में है, छोटे स्तर पर इसका प्राइमरी स्तर पर है हाँ, प्राइमरी स्तर पर ये संचालन हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी बड़े हो गए थे तो फिर बड़े गुरुजी के पास चले गए थे, मुंबई में पढ़ाई लिखाई किया, ये शास्त्रों का अध्ययन किया हमने, हमारे भाइयों ने कुछ कर्नाटक में किए। तो जिनकी इच्छा होती है आगे चल के पढ़ने के लिए तो वो वहाँ जाते हैं। अगर जो बच्चे हैं जिसको अगर इच्छा होता कि नहीं मैं ये जो है ना शास्त्र ज्ञान नहीं चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं एक टीवी शो का एंकर बनना चाहता हूँ या डांसर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, उन लोग को कैसे बढ़ोतरी किया जाता है? एक बात कहना चाहूँगा, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर संग्रहित होती है और बच्चों के विकास में जब हम गुरुकुलीय शिक्षा से जाते हैं तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कल होके इंजीनियर नहीं बन सकते, कल होके डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ते हैं उनमें अनेकों लोग ऐसे हैं जो आज नासा में भी हैं, इसरो में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो इसमें वेद अध्ययन कहीं भी कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के उच्च संस्कारों का एक बुनियादी स्तर है। शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शास्त्र ज्ञान होना मतलब एक जरूरी अवस्था है, बिना उसके फिर इंजीनियर बनने का कोई मतलब नहीं, डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं हो तब हमारे उस विकास का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आइए, यहाँ के कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुकुल में अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत कराता हूँ। क्या नाम हुआ बाबू? आदित्य कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? गया में रहते हैं। अभी यहाँ पर आप क्या क्या सीखे हैं?
अभी यहाँ पे हम स्तोत्र के बारे में सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं और भी बहुत कुछ। आप बाबू, आपका क्या नाम है? दक्ष कटरियार नाम है। दक्ष कटरियार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया के। हाँ, क्या बहुत नाम तो बहुत अच्छा है। क्या क्या सीखे हैं अभी तक यहाँ आप? यहाँ पे हम स्तोत्र सीखे हैं और स्तुत के बारे में जानकारी है। गा करके बता सकते हो, बोल कर सुना सकते हैं आप? सुना सकते हैं। अच्छा, देख कर सब लोग यहाँ सब रंगस्त्र पढ़ो, रंगस्त्र पढ़ो सब लोग। आप रुक जाइए। स्टॉप। क्या नाम हुआ आपका? पीयू। वाह, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? वन में। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो बताओ? क्या बनोगी बड़े होकर? आप क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर। अरे वाह, देखिए सर, डॉक्टर बनेगी। आप? टीचर। टीचर। आप जी? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगे? क्या बात है, डॉक्टर बनना पसंद है। आप क्या बनेंगे बाबू? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगे? वाह, तो ये सब बच्चे हैं जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इधर सीनियर स्टूडेंट है। उन लोग से तो मैं बात कराया ही नहीं आप लोग को, मैं ध्यान भी नहीं दिया था। और सबसे सीनियर आप हैं। चलिए हम बगल में बैठ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार भैया। आपका जी? रंजन विट्ठल। आप? अभिराज विट्ठल। अरे, शोभित गुरुदा। आप लोग अभी कौन से क्लास में हैं यहाँ पर? मैं 8 में हूँ। आप? मैं 6 में हूँ। 8 में। आप? ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। हाँ, तो अभी आप लोग ग्रेजुएशन के बाद अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो कंपटीशन है, SSC, ये सब बैंक की तैयारी अभी स्टार्ट है। SSC की तैयारी कर रहे हैं? उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ, इधर में संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं और कर्मकांड भी है। नारायण बलि श्राद्ध हो गया, त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, गया श्राद्ध, मतलब कि जितनी भी श्राद्ध पद्धतियाँ आती है यहाँ पर सभी कर्मकांड विधि सिखाई जाती है। बिल्कुल। आप लोग अभी 10th क्लास में है ना? कोई 8 में है। आप लोग क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
हम लोग तो आचार्य बनना चाहते हैं। आप आचार्य बनेंगे? आप इंजीनियर? इंजीनियर, क्या बात है। यानी आचार्य, कोई आचार्य बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। शास्त्र का ज्ञान अगर उसके पास है तो बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत अच्छे इंसान बन सकता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अभी गुरुकुल से देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद।